अब सीएम केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने ऐसा एक्शन लिया है कि खुद आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। ईडी अब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 5 समन जारी कर चुकी है, लेकिन उन्होंने एक बार भी ईडी के सामने अपनी पेशी के लिए हामी नहीं भरी। सीधे तौर पर कहें तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सारे समन को सरासर ठुकरा दिया है, लेकिन अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का रुख कर लिया है, या कहें कि अदालत का दरवाजा खटखटा लिया है। 3 फरवरी को यह मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत में पहुंचा, जहां ईडी की कुछ दलीलें सुनी गई थी। बाकी दलीलों पर विचार करने के लिए इस मामले की सुनवाई को 7 फरवरी तक आगे कर दिया गया। इस मामले में न्यायाधीश का कहना है, धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA 2002 की धारा 50 के अनुपालन में उपस्थित नहीं होने के लिए नई शिकायत प्राप्त हुई है। यह नई शिकायत का मामला है, दलीलें सुनी गई, शेष दलीलें 7 फरवरी 2024 को रखी जाएंगी। अब देखा जाए तो केजरीवाल को दोहरा झटका लग चुका है, क्योंकि दिल्ली अपराध शाखा यानी क्राइम ब्रांच और ईडी दोनों ही दो अलग अलग मामलों में मुख्यमंत्री केजरीवाल पर दोनों ने ही शिकंजा कस दिया है। बता दें कि 3 फरवरी को केजरीवाल के आवास पर एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ था, जब भाजपा ने आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को या कहें कुछ विधायकों को खरीद फरोख्त करने के प्रयास किए जाने के आरोप में जांच करने की मांग रखी, जिसके बाद अपराध शाखा यानी क्राइम ब्रांच की एक टीम जांच करने सीएम केजरीवाल के आवास पर पहुंची। फिलहाल अभी इस मामले में जांच जारी है। वहीं ईडी की बात करें तो केजरीवाल जो इतने समय से भाग रहे हैं, ईडी के शिकंजे से भाग रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि यह समन गैर कानूनी है, इसीलिए मैं यानी केजरीवाल ने यह कहा कि मैं ईडी के सामने पेश नहीं होऊंगा, या कहें कि केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ 4 समन अलग अलग तारीखों पर जारी किए थे, जिन्हें अवैध करार करते हुए केजरीवाल ने ठुकरा दिया था। फिलहाल अब इस मामले पर आप क्या कहेंगे? सवाल यह है कि क्या अब कोर्ट अगर इस मामले में ईडी को, या कहे कि अगर कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन लेता है, तो क्या अब केजरीवाल ईडी के सामने या कहे कोर्ट के सामने अपनी उपस्थिति करेंगे, या फिर केजरीवाल कोई अलग कदम उठाएंगे? क्योंकि अब तो सिर्फ ईडी ही नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच भी अब केजरीवाल को बकशने के मूड में बिल्कुल नहीं है। फिलहाल अब इस खबर पर और जिस तरह से केजरीवाल पर ये शिकंजा कसा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।